ये परफॉर्मेंस से हमारे सेरोटोनिन लेवल्स तो बढ़ ही गए हैं. बिल्कुल, क्यों ना थोड़ी सी डोपामीन बढ़ा दिया जाए. ओह माय गॉड, डोपामीन, वो कैसे? वो होगा ऐसे, जब हम हंसी से लोटपोट होकर देखेंगे एक ऐसा स्किट जो है पति पत्नी के रोज के नोकझोंक में, अगर अदालत बीच में टांग अड़ाती है oh my तो God. कैसी खिचड़ी पकती है ये हम देखेंगे. कोर्ट कचेरी, इज दैट द वन इन विच हस्बैंड वाइफ गेट्स इनटू अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड विच टर्न्स आउट टू बी अ कोर्ट रूम ड्रामा? यप, यू गेस इट राइट. बट उससे पहले मुझे एक चीज याद आई है. शुभा, वी आर हियर फॉर होस्टिंग द प्रोग्राम, नॉट चिट चैटिंग. ओके, अरे सुन तो ले, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा ठीक है, बोल बोल. ओके, सो क्या हुआ, मेरे नेबर वाले अंकल, हाँ हाँ, एक दिन गार्डन में पौधों को पानी डाल रहे थे. ओके, उतने में उनकी वाइफ खिड़की से आवाज देती है कि ओ जी सुनते हो, जरा अंदर आइए, बात करनी है. ओके, मैंने आपके फोन पे एक टेक्स्ट देखा है. ओ नो, अंकल थोड़ा डर गए. ओके, अंकल ने जैसे तैसे संभाला खुद को. ओके, और बोला कि जाने मन. ओ माय गॉड, हाँ, मक्खन लगा रहे हैं. मक्खन लगा रहे हैं. हाँ, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, पौधों को पानी डाल के हो जाएगा, हाँ हाँ, मैं तुरंत आ जाऊंगा. ओके, सो व्हाट वाज द टेक्स्ट अबाउट? हेलो, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज वो अंकल चार दिन से पौधों को पानी डाल रहे, सोसाइटी का पानी खत्म कर दिया. हेलो, अरे बाप रे, अच्छा हुआ वहाँ कोर्ट कचेरी का चक्कर नहीं हुआ. कोर्ट कचहरी का चक्कर उन्हें तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो हमारा अगला परफॉर्मेंस है, हाँ हाँ, वहाँ पे हमें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा. अरे बाप रे, मनोरंजन. सो प्लीज गिव इट अप फॉर अंधा कानून, प्रेजेंटेड टू यू बाय प्रवीण कुमार, सिद्धि, प्रियंका फ्रॉम जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, राजेश, सुराजीत फ्रॉम एंड राजकुमार फ्रॉम नैनो बायोसाइंस डिपार्टमेंट, श्वेता एंड अजय फ्रॉम माइकोलॉजी डिपार्टमेंट. So give them a big round of applause. नमस्कार, मैं श्वेता कुमावत इस मनोरंजन नाटक में आपका स्वागत करती हूँ. प्रस्तुत नाटक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है. हम हमारी न्याय व्यवस्था का आदर करते हैं और प्रस्तुत नाटक एक मनोरंजन के आधार पर बनाया गया है. यदि इससे किसी की भावनाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से क्षति पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी है. कृपया मनोरंजन बुद्धि से इसका आनंद लीजिए. धन्यवाद. चलो थोड़ा पीछे, आराम. मैं ऐसे फेस ये कौन है सर? रेडी, थोड़ी कुछ चिकन, एक मिनट, थोड़ा आगे. ओके ओके, सक्षम आगे थोड़ा. ठीक है बस. यस यस, चार बोतल मेरे बेबी का जवाब नहीं, तो दोनों वाले पट्टी प्रिया ना छोटी, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पूछ ना, मेरे बेबी का तो जवाब नहीं रहा मैंने. ठीक है, करेडी रेडी. ए जज, जज भाई पर्दा खोलो. हाँ जस बारे हैं. हेलो हेलो, अरे भगवान फोन कर रहा हूँ, रुको. अरे हाँ, खाना बना दिए, शाम को आके बनाऊंगा. हाँ हाँ ठीक है, चलो कोर्ट में हूँ, फोन करता हूँ. हाँ ठीक है, रखो रखो. हाँ ठीक है, चलो. अरे कोर्ट की नहीं, कम से जज की नहीं, कम से कम कोर्ट की तो इज्जत कर लो भाई साहब, फाइल तो दो. अरे वकील साहब, आज आप यहाँ लगता है केस है कोई, फिर तो मजा आएगा. वैसे भी रोज रोज के कामों से पक चुका हूँ यार, रोज वही सब्जी बनाना, खाना बनाना और फिर ये बच्चों को स्कूल से लाना, यार पक चुका हूँ. तो बताइए कैसे हैं आप? क्या बताऊँ सर, मेरे भी ऐसी हाल है. अभी अभी मैं बर्तन और कपड़े धो के आया हूँ और खाना बना के आया हूँ और मेरी भाग्यवानों से खा के आई है. सच कहते हो वकील साहब, जंगल का शेर भी घर पर भीगी बिल्ली हो जाता है. अब क्या कर सकते हैं? हो गया तुम लोगों का? हाँ हो गया, अब तुम सुजोगे हो जाओ. चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ा. तो वकील साहब क्या सीन है आज का, सुनना है? अरे सुनाइए यार. ठीक है, तो ये जो मासूम सा मुजरिम दिख रहा है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसके पत्नी ने उसे बुरा भला कहा है. अच्छा हाँ,
तो जनाब केस क्या है इसमें? अरे यही तो केस है जज साहब कि बुरा भला कहा है। बुरा या भला? भला नहीं सर, भला भला। अरे यार देखो, अभी आप भी घर से सुन के आए हो, मैं भी सुन के आया हूँ यार। बीवी से तो हर कोई सुन के आता है, तो इसमें केस कहाँ बना? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब। हो गई तुम्हारी कॉमेडी? अरे घर पर तो तू ही बोलती है यार, तो मुझे कुछ बोलने दे। ये कोर्ट है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सब कोर्ट है, घर नहीं है। ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर ऑर्डर। आप लोग अपना महाभारत बंद कीजिए और केस पर ध्यान दीजिए। सॉरी जज साहब। तो जज साहब, मेरे क्लाइंट ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके पति पर, वो सब सही और संगीन है, और इसके आधार पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अरे तुम सजा दे रही हो या फिर फैसला सुना रही हो? तुमसे मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, मेरे लिए एक मार्गरेट पिज्जा और एक पेप्सी मंगा लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आप ही कह रहे हो ऑर्डर ऑर्डर, मुझे लगा कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे रहे होंगे। क्या सर? जज साहब, अगर एक ऐसी बात है तो मेरे लिए पनीर मसाला, वो भी कम तीखा। तुम्हें मेरे लिए एक तंदूरी चिकन। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, और तू फटे मुंह चुप हो जा, नहीं तो तुझे ये फांसी दे दूंगा। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तो वकील साहब, हम कहाँ थे? मैं तो पनीर मसाला में था। आप देखिए, आपको क्या खाना चाहेंगे? अरे काले कोर्ट के मुसाफिर, अगर तूने एक लफ्ज भी फालतू का निकाला तो तेरे अदालत का सफर यहीं खत्म कर दूंगा, फिर खाटे बैठना पनीर मसाला। चलो कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। अरे वकील साहब, क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? वकील साहब, आपने इस गधे को तो खामोश रहने कहा है। अरे भगवान, अरे वकील साहब बोलिए, कुछ बोलिए, कम से कम केस के सिलसिले में बोलिए यार। हाँ तो आप कह रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा मासूम सा वकील है, उस पर आरोप लगाए कि उसकी पत्नी ने उसको बुरा भला कहा है, और उस पर सब जो आरोप लगाए वो सब झूठे है। तो क्या मैं झूठी हूँ? अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो ये कह रहा हूँ, इस पे लगे हुए आरोप झूठे, तुझ पे नहीं। तो वकील साहब, जरा बताएंगे विस्तार से, क्या हुआ क्या है? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब। तो कुछ बात मतलब? करना है, प्रश्न पूछना है उनसे? हाँ भाई, हाँ जस्ट साहब, मैं कुछ आरोपी से गुप्तगु करना चाहूंगा। देखिए वकील साहब, ये जो पास में कैंटीन है ना, बंद है वैसे, पर जाके वहाँ गुप्तगु कीजिए, यहाँ पर मत कीजिए, समझे? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी सॉरी जज साहब, कुछ सवाल जवाब पूछना चाहूंगा। जी इजाजत है उसको। तो बुलाइए जरा। मुजरिम हाजिर हो। अरे नहीं, अरे ये क्या? अरे जनाब, कितना काम चोर हो यार, थोड़ा काम कर लो, उठो। थीसिस पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे जज साहब, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं सच बोल सकता हूँ? जनाब आप इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सच बोल सकते हैं। हे भगवान, तू सच में है, कम से कम कोई तो मेरी बात सुन रहा है। चल फाड़ में बैठो भाई, शपथ तो लेने दे। अरे भूल गया मैं, चल। जो कहूंगा, सच किसी और कुछ नहीं कहूंगा। और भाई कैसा है? भाई मजे में हूँ, तू बता, तू कैसा है? और बता, जेल के क्या सीन है? अरे भाई यहाँ पे तो बहुत मजे है, घर के जैसा खाना नहीं बनाना पड़ता, खुद मिल जाता है, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। चलो किसी की तो अच्छी किस्मत है, वरना हमारे नसीब में ये कहा। क्या चल रहा है सब जज साहब? कुछ नहीं जज साहब, कोर्ट की कार्रवाई आगे शुरू कीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया कोर्ट की गरिमा बनाए रखिए, और वकील साहब आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए, वरना। ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जज साहब को शुरू से बताओ। एकदम शुरू से? हाँ जज साहब सुनिए, तो आपको पता है ये बात है 19 अगस्त 1993 की, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा। मेरी दो बड़ी भाई थे, दो छोटी बहनें थी, मैं परिवार में सबसे लाडला था, और पापा मुझे गोलू मोलू कहते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वकील साहब ने ही बोला शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बोल रहा था। और आप अपनी आत्मकथा सुनाने लगे, ऐसे कैसे चलेगा जनाब? हे भगवान उठा ले। अरे भाई उस वारदात के दिन क्या हुआ था वो बता, बाकी गड़े मुर्दे मत उखाड़ यार। अच्छा वो बताना है क्या? जी हाँ। शायद थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, सोमवार था उस दिन। अरे जनाब आगे बढ़ो यार, मुझे घर जाकर खाना बनाना, बीवी का फोन आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, माफ कीजिए जज साहब, मैं ये भूला है शायद।
तो भाई वो सब छोड़, तुझे जो भी याद है वो शुरू से बता दे इनको। वकील साहब शुरू से नहीं मुद्दे पे आइए, मुझे घर जाना है यार। ठीक है तुम्हें जो भी बताना है मुद्दे पर, मुद्दे का बताओ, बस मुद्दे पे आओ। हाँ तो जज साहब सुनिए। बताइए। उस दिन मेरी बीवी मायके जाने वाली थी। अच्छा हाँ सच में? अरे हाँ भाई क्यों? अरे क्या बताऊँ, मेरी वाली तो जाती ही नहीं। अरे भगा दे भगा दे। जब भी बोलू भगवान जाओ तुम्हारे मम्मी पापा को मिलके आओ तो पता है क्या करती है? हाँ? सारे परिवार को यहाँ बुला देती है, फिर एक महीने तक सबका खाना पीना और बाकी का सब मुझे ही करना पड़ता है। नसीब फूट गए भाई तेरे, अब क्या कर सकते है। जज साहब ये कुछ ही बकवास कर रहे है, और आप सुनो केस खत्म होने दो, फिर आपके पास मैं देखती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब यार क्यों टाइम पास कर रहे हो, जल्दी कीजिए नहीं तो आपसे ही मेरा घर का खाना बनवाऊंगा। माफ कीजिए जज साहब। तो भाई बताओ आगे क्या हुआ? हाँ तो उस दिन सोमवार था। हे भगवान, अरे मेरे भूले लाल, आगे बढ़ नहीं तो तुझे यही फांसी से पे चढ़ा दूंगा, सोमवार से बाहर निकल यार। अरे सॉरी जज साहब। तो उस दिन जैसे कि आपको पता ही है मेरी बीवी तो मायके जा रही थी। हाँ, वो तो मैंने क्या किया, उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया, बस में बिठा दिया और उसके बाद घर आ गया। उसके आगे क्या हुआ? फिर क्या, आप लोगों को तो पता ही है जब बीवी जाए मायके, मैं सीधा चला गया शराब की दुकान पे, वहां से कुछ शराब की बोतलें उठा ली, दोस्तों को घर बुला लिया और मजे से पार्टी। समझ सकता हूँ भाई, उस पार्टी में तो मैं भी था। हाँ भाई। वकील साहब आपको हो गया तो उसे भी बोलने दो यार। ठीक है जैसा भाई बोल ले। क्या उसके आगे क्या हुआ बताइए। उसके आगे? हाँ उसके आगे तो पता ही है, जब दारू अंदर चली जाए तो उसके बाद क्या होता है आपको तो पता ही है, मुझे कुछ भी याद है। भगवान। पॉइंट टू बी नोटेड। नोटेड नहीं, नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, ये दारू पीने के बाद मेरे मुवक्किल को इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है कि उसने क्या कहा, तो इस हिसाब से तो मेरा मुवक्किल निर्दोष हो गया। चल भाई हो गई केस। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब कौन दोषी कौन निर्दोष का फैसला मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। और अपोजिशन टीम से कोई बैटिंग करना चाहता है? अरे सॉरी सॉरी मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? धन्यवाद जज साहब। तो जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है। अरे फाजिल दोस्त, मैं तो तेरे माथे का तिलक हूँ ना। वो घर पर, यहाँ पे कोर्ट की मर्यादा का मान रखिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों केस पर ध्यान दीजिए। तो आप बताएंगे, आपको कुछ, आप बोल रहे थे कि आपको कुछ याद नहीं। जी मैडम। नमस्कार, मैं श्वेता कुमावत इस मनोरंजन नाटक में आपका स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत नाटक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है। हम हमारी न्याय व्यवस्था का आदर करते हैं और प्रस्तुत नाटक एक मनोरंजन के आधार पर बनाया गया है। यदि इससे किसी की भावनाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से क्षति पहुँचती है तो हम क्षमा प्रार्थी है। कृपया मनोरंजन बुद्धि से इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। चलो थोड़ा पीछे। मैं ऐसे फेस रेडी, थोड़ी कुर्सी एक मिनट, थोड़ा आगे। ओके ओके सतीशम आगे थोड़ा। ठीक है बस। चार बोतल मेरे बेटे का जवाब नहीं, दोनों गाने पट फिर ना छोटी कुछ नहीं, कुछ नहीं मुझे नहीं पूछना, मेरे बेटी का तो जवाब नहीं रहा उन्होंने। ठीक है कर स्टेट करे स्टार्टिंग रेडी है बाकी जैसे। चार बोतल और का तो मैं था मानना, चार बोतल सिद्धि रेडी। ए जज जज बच्चा भाई पर्दा खोलो। हेलो हेलो। अरे भगवान फोन कर रहा हूँ रुको। अरे हाँ खाना बना दिया, शाम को आके बनाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है चलो, कोर्ट में हूँ, फोन करता हूँ। हाँ ठीक है रखो रखो। हाँ ठीक है चलो। अरे कोर्ट की नहीं कम से जज की नहीं, कम से कम कोर्ट की तो इज्जत कर लो भाई साहब, फाइल तो दो। अरे वकील साहब आज आप यहाँ, लगता है केस है कोई, फिर तो मजा आएगा। वैसे भी रोज रोज के कामों से पक चुका हूँ यार, रोज वही सब्जी बनाना खाना बनाना और फिर ये बच्चों को स्कूल से लाना यार, पक चुका हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप? क्या बताऊँ सर, मेरे भी ऐसी हाल है। अभी अभी मैं बर्तन और कपड़े धो के आया हूँ और खाना बना के आया हूँ और मेरी भाग्यवानों से खा के आई है। सच कहते हो वकील साहब, जंगल का शेर भी घर पर भीगी बिल्ली हो जाता है। अब क्या कर सकते हो गया तुम लोगों का।
हाँ हो गया, अब तुम सुजोगी हो जाओ। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते। तो वकील साहब क्या सीन है आज का, सुनना है? अरे सुनाइए यार। ठीक है, तो ये जो मासूम सा मुजरिम दिख रहा है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसके पत्नी ने उसे बुरा भला कहा है। अच्छा हाँ, तो जनाब केस क्या है इसमें? अरे यही तो केस है जज साहब, कि बुरा भला कहा है। बुरा या भला? भला नहीं सर, भला भला। अरे यार देखो, अभी आप भी घर से सुन के आए हो, मैं भी सुन के आया हूँ यार, बीवी से तो हर कोई सुन के आता है, तो इसमें केस कहाँ बना? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब। हो गई तुम्हारी कॉमेडी? अरे घर पर तो तू ही बोलती है यार, तो मुझे कुछ बोलने दे। ये कोर्ट है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सब कोर्ट है, घर नहीं है। ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर। आप लोग अपना महाभारत बंद कीजिए और केस पर ध्यान दीजिए। सॉरी जज साहब। तो जज साहब, मेरे क्लाइंट ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके पति पर, वो सब सही और संगीन है, और इसके आधार पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अरे तुम सजा दे रही हो या फिर फैसला सुना रही हो? तुमसे मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? ऑर्डर, ऑर्डर। अरे जज साहब, मेरे लिए एक मार्गरेट पिज्जा और एक पेप्सी मंगा लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आप ही कह रहे हो ऑर्डर ऑर्डर, मुझे लगा कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे रहे होंगे। क्या सर? जज साहब, अगर एक ऐसी बात है तो मेरे लिए पनीर मसाला, वो भी कम तीखा। तुम्हें मेरे लिए एक तंदूरी चिकन। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, और तू फटे मुंह चुप हो जा, नहीं तो तुझे ये फांसी दे दूंगा। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तो वकील साहब हम कहाँ थे? मैं तो पनीर मसाला में था, आप देखिए आपको क्या खाना चाहेंगे। अरे काले कोट के मुसाफिर, अगर तूने एक लफ्ज भी फालतू का निकाला तो तेरे अदालत का सफर यहीं खत्म कर दूंगा, फिर खाटे बैठना पनीर मसाला। चलो कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते। अरे वकील साहब क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? वकील साहब, आपने इस गधे को तो खामोश रहने कहा है। अरे भगवान, अरे वकील साहब बोलिए, कुछ बोलिए, कम से कम केस के सिलसिले में बोलिए यार। हाँ तो आप कह रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा मासूम सा वकील है उस पर आरोप लगाए कि उसकी पत्नी ने उसको बुरा भला कहा है, और उस पर सब जो आरोप लगाए वो सब झूठे है। तो क्या मैं झूठी हूँ? अरे भाई मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ये कह रहा हूँ इस पे लगे हुए आरोप झूठे, तुझ पे नहीं। तो वकील साहब जरा बताएंगे विस्तार से, क्या हुआ क्या है? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब। तो कुछ बात मतलब? करना है, प्रश्न पूछना है उनसे? हाँ भाई, गुफ्तगु। हाँ जस्ट साहब, मैं कुछ आरोपी से गुफ्तगु करना चाहूंगा। देखिए वकील साहब, ये जो पास में कैंटीन है ना, बंद है वैसे, पर जाके वहाँ गुफ्तगु कीजिए, यहाँ पर मत कीजिए, समझे? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी सॉरी जस्ट साहब, कुछ सवाल जवाब पूछना चाहूंगा। जी इजाजत है उसको, तो बुलाइए जरा। मुजरिम हाजिर हो। अरे नहीं, अरे ये क्या? अरे जनाब कितना काम चोर हो यार, थोड़ा काम कर लो, उठो। थीसिस पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे जज साहब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं सच बोल सकता हूँ? जनाब आप इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सच बोल सकते हैं। हे भगवान, तू सच में है, कम से कम कोई तो मेरी बात सुन रहा है। चल फट में बैठ उधर भाई, शपथ तो लेने दे। अरे भूल गया मैं, चल। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच किसी और कुछ नहीं कहूंगा। बैठिए। और भाई कैसा है? भाई मजे में हूँ, तू बता तू कैसा है? और बता जेल के क्या सीन है? अरे भाई यहाँ पे तो बहुत मजे है, घर के जैसा खाना नहीं बनाना पड़ता, खुद मिल जाता है, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। चलो किसी की तो अच्छी किस्मत है, वरना हमारे नसीब में ये कहा। क्या चल रहा है सब जज साहब? कुछ नहीं जज साहब, कोर्ट की कार्रवाई आगे शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया कोर्ट की गरिमा बनाए रखिए, और वकील साहब आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए वरना। ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जज साहब को शुरू से बताओ। एकदम शुरू से? हाँ जज साहब सुनिए, तो आपको पता है ये बात है 19 अगस्त 1993 की, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा। मेरी दो बड़ी भाई थे, दो छोटी बहनें थी, मैं परिवार में सबसे लाडला था, और पापा मुझे गोलू मोलू कहते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वकील साहब ने ही बोला शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बोल रहा था। और आप अपनी आत्मकथा सुनाने लगे, ऐसे कैसे चलेगा जनाब? हे भगवान उठा ले। अरे भाई उस वारदात के दिन क्या हुआ था वो बता, बाकी गड़े मुर्दे मत उखाड़ यार। अच्छा वो बताना है क्या? जी हाँ, शायद थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे।
सोमवार था उस दिन। अरे जनाब आगे बढ़ो यार, मुझे घर जाकर खाना बनाना, बीवी का फोन आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, माफ कीजिए जज साहब, मैं ये भूला है शायद। तो भाई वो सब छोड़, तुझे जो भी याद है वो शुरू से बता दे इनको। वकील साहब शुरू से नहीं, मुद्दे पे आइए, मुझे घर जाना है यार। ठीक है तुम्हें जो भी बताना है मुद्दे पर, मुद्दे का बताओ, बस मुद्दे पे आओ। हाँ तो जज साहब सुनिए। बताइए। उस दिन मेरी बीवी मायके जाने वाली थी। अच्छा हाँ सच में? अरे हाँ भाई क्यों? अरे क्या बताऊँ, मेरी वाली तो जाती ही नहीं। अरे भगा दे भगा दे। जब भी बोलू भाग्यवान जाओ तुम्हारे मम्मी पापा को मिलके आओ, तो पता है क्या करती है? हाँ? सारे परिवार को यहाँ बुला देती है, फिर एक महीने तक सबका खाना पीना और बाकी का सब मुझे ही करना पड़ता है। नसीब फूट गए भाई तेरे, अब क्या कर सकते है। जज साहब ये कुछ ही बकवास कर रहे है, और आप सुनो केस खत्म होने दो, फिर आपके पास मैं देखती हूँ। वकील साहब यार क्यों टाइम पास कर रहे हो, जल्दी कीजिए नहीं तो आपसे ही मेरा घर का खाना बनवाऊंगा। माफ कीजिए जज साहब। तो भाई बताओ आगे क्या हुआ? हाँ तो उस दिन सोमवार था। हे भगवान, अरे मेरे भूले लाल, आगे बढ़ नहीं तो तुझे यही फांसी से पे चढ़ा दूंगा। सोमवार से बाहर निकल यार। अरे सॉरी जज साहब। तो उस दिन जैसे कि आपको पता ही है मेरी बीवी तो मायके जा रही थी। हाँ, वो तो मैंने क्या किया, उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया, बस में बिठा दिया और उसके बाद घर आ गया। उसके आगे क्या हुआ? फिर क्या, आप लोगों को तो पता ही है, जब बीवी जाए मायके, मैं सीधा चला गया शराब की दुकान पे, वहां से कुछ शराब की बोतलें उठा ली, दोस्तों को घर बुला लिया और मजे से पार्टी। समझ सकता हूँ भाई, उस पार्टी में तो मैं भी था। हाँ भाई। वकील साहब आपको हो गया तो उसे भी बोलने दो यार। ठीक है जस्ट साहब भाई बोल ले। क्या उसके आगे क्या हुआ बताइए। उसके आगे? हाँ उसके आगे तो पता ही है, जब दारू अंदर चली जाए तो उसके बाद क्या होता है आपको तो पता ही है, मुझे कुछ भी याद नहीं। भगवान। पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेड नहीं, नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, ये दारू पीने के बाद मेरे मुवक्किल को इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है कि उसने क्या कहा, तो इस हिसाब से तो मेरा मुवक्किल निर्दोष होगा। चल भाई हो गई केस। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब कौन दोषी कौन निर्दोष इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। और अपोजिशन टीम से कोई बैटिंग करना चाहता है? अरे सॉरी सॉरी मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? धन्यवाद जज साहब। तो जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है। अरे फाजिल दोस्त, मैं तो तेरे माथे का तिलक हूँ ना। वो घर पर, यहाँ पे कोर्ट की मर्यादा का मान रखिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों केस पर ध्यान दीजिए। तो आप बताएंगे, आपको कुछ, आप बोल रहे थे कि आपको कुछ याद नहीं। जी मैडम। नमस्कार, मैं श्वेता कुमावत इस मनोरंजन नाटक में आपका स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत नाटक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी वास्तविक जीवन से संबंध नहीं है। हम हमारी न्याय व्यवस्था का आदर करते हैं और प्रस्तुत नाटक एक मनोरंजन के आधार पर बनाया गया है। यदि इससे किसी की भावनाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तरीके से क्षति पहुँचती है तो हम क्षमा प्रार्थी है। कृपया मनोरंजन बुद्धि से इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद। चलो थोड़ा पीछे। आराम। मैं ऐसे फेस ये कौन है? रेडी थोड़ी कुर्सी तकरी, एक मिनट थोड़ा आगे। ओके ओके सक्षम आगे थोड़ा। ठीक है ठीक है, बस चार बोतल मेरे बीबी का जवाब नहीं, तो दोनों गाने पटे फिर है ना छोटी, कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पूछना, मेरे बीबी का तो जवाब नहीं गाँव में। ठीक है कर चार बोतल का, तो मैं हाँ मान लेना चार बोतल। सिद्धि रेडी। ए जज जज भाई पर्दा खोलो। जसाब आ रहे हैं। हेलो हेलो, अरे भाग्यवान फोन कर रहा हूँ रुको, अरे हाँ खाना बना दिया, शाम को आके बनाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है चलो, कोर्ट में हूँ, फोन करता हूँ। हाँ ठीक है रखो रखो। हाँ ठीक है चलो। अरे कोर्ट की नहीं कम से जज की नहीं, कम से कम कोर्ट की तो इज्जत कर लो भाई साहब, फाइल तो दो। अरे वकील साहब आज आप यहाँ, लगता है केस है कोई, फिर तो मजा आएगा। वैसे भी रोज रोज के कामों से पक चुका हूँ यार, रोज वही सब्जी बनाना, खाना बनाना और फिर ये बच्चों को स्कूल से लाना, यार पक चुका हूँ। तो बताइए कैसे हैं आप? क्या बताऊँ सर, मेरे भी ऐसी हाल है। अभी अभी मैं बर्तन और कपड़े धो के आया हूँ और खाना बना के आया हूँ, और मेरी भाग्यवानों से खा के आई है।
सच कहते हो वकील साहब, जंगल का शेर भी घर पर भीगी बिल्ली हो जाता है। अब क्या कर सकते हो गया तुम लोगों का? हाँ हो गया, अब तुम सुजोगे हो जाओ। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते। तो वकील साहब क्या सीन है आज का, सुनना है? अरे सुनाइए यार। ठीक है, तो ये जो मासूम सा मुजरिम दिख रहा है ना, उसके ऊपर इल्जाम लगा है कि उसके पत्नी ने उसे बुरा भला कहा है। अच्छा हाँ, तो जनाब केस क्या है इसमें? अरे यही तो केस है जज साहब, कि बुरा भला कहा है। बुरा या भला? भला नहीं सर, भला भला। अरे यार देखो, अभी आप भी घर से सुन के आए हो, मैं भी सुन के आया हूँ यार, बीवी से तो हर कोई सुन के आता है, तो इसमें केस कहाँ बना? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब, हो गई तुम्हारी कॉमेडी। अरे घर पर तो तू ही बोलती है यार, तो मुझे कुछ बोलने दे। ये कोर्ट है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये सब कोर्ट है, घर नहीं है। हो गया। ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग अपना महाभारत बंद कीजिए और केस पर ध्यान दीजिए। सॉरी जज साहब। तो जज साहब, मेरे क्लाइंट ने जो भी आरोप लगाए है उसके पति पर, वो सब सही और संगीन है, और इसके आधार पर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। अरे तुम सजा दे रही हो या फिर फैसला सुना रही हो? तुमसे मतलब? मुझे मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, मेरे लिए एक मार्गरेट पिज्जा और एक पेप्सी मंगा लीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? अरे आप ही कह रहे हो ऑर्डर ऑर्डर, मुझे लगा कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे रहे होंगे। क्या सर? जज साहब, अगर एक ऐसी बात है तो मेरे लिए पनीर मसाला, वो भी कम तिखा, तुम्हें मेरे लिए एक तंदूरी चिकन। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, और तू फटे मुंह चुप हो जा, नहीं तो तुझे ये फांसी दे दूंगा। कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाइए। तो वकील साहब हम कहाँ थे? मैं तो पनीर मसाला में था, आप देखिए आपको क्या खाना चाहेंगे। अरे काले कोर्ट के मुसाफिर, अगर तूने एक लफ्ज भी फालतू का निकाला तो तेरे अदालत का सफर यही खत्म कर दूंगा, फिर खाटते बैठना पनीर मसाला। चलो कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते। अरे वकील साहब क्या हो गया, सांप सूंघ गया क्या? वकील साहब, आपने इस गधे को तो खामोश रहने कहा है। अरे भगवान, अरे वकील साहब बोलिए, कुछ बोलिए, कम से कम केस के सिलसिले में बोलिए यार। हाँ तो आप कह रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा मासूम सा वकील है उस पर आरोप लगाए कि उसके पत्नी ने उसको बुरा भला कहा है, और उस पर सब जो आरोप लगाए वो सब झूठे है। तो क्या मैं झूठी हूँ? अरे भाई मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ये कह रहा हूँ इस पे लगे हुए आरोप झूठे, तुझ पे नहीं। तो वकील साहब जरा बताएंगे विस्तार से, क्या हुआ क्या है? अब तो मैं क्या ही बोलूं जनाब। तो कुछ बात मतलब? करना है, प्रश्न पूछना है उनसे? हाँ भाई, गुफ्तगू। हाँ जस्ट साहब, मैं कुछ आरोपी से गुफ्तगू करना चाहूंगा। देखिए वकील साहब, ये जो पास में कैंटीन है ना, बंद है वैसे, पर जाके वहाँ गुफ्तगू कीजिए, यहाँ पर मत कीजिए, समझे? कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी सॉरी जस्ट साहब, कुछ सवाल जवाब पूछना चाहूंगा। जी इजाजत है उसको, तो बुलाइए जरा। मुजरिम हाजिर हो। अरे नहीं, अरे ये क्या? अरे जनाब इतना काम चोर हो यार, थोड़ा काम कर लो, उठो। थीसिस पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अरे जज साहब मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मैं सच बोल सकता हूँ? जनाब आप इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सच बोल सकते हैं। हे भगवान, तू सच में है, कम से कम कोई तो मेरी बात सुन रहा है। चल फट में बैठ उधर भाई, शपथ तो लेने दे। अरे भूल गया मैं, चल। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच किसी और कुछ नहीं कहूंगा। बैठिए। और भाई कैसा है? भाई मजे में हूँ, तू बता तू कैसा है? और बता जेल के क्या सीन है? अरे भाई यहाँ पे तो बहुत मजे है, घर के जैसा खाना नहीं बनाना पड़ता, खुद मिल जाता है, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे। चलो किसी की तो अच्छी किस्मत है, वरना हमारे नसीब में ये कहा। क्या चल रहा है सब जज साहब? कुछ नहीं जज साहब, कोर्ट की कार्रवाई आगे शुरू की जाए। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया कोर्ट की गरिमा बनाए रखिए, और वकील साहब आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए वरना। ठीक है ठीक है। हाँ तो भाई जो भी हुआ जैसे भी हुआ, जज साहब को शुरू से बताओ। एकदम शुरू से? हाँ जज साहब सुनिए, तो आपको पता है ये बात है 19 अगस्त 1993 की, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा। मेरी दो बड़ी भाई थे, दो छोटी बहनें थी, मैं परिवार में सबसे लाडला था, और पापा मुझे गोलू मोलू कहते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वकील साहब ने ही बोला शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बोल रहा था। और आप अपनी आत्मकथा सुनाने लगे, ऐसे कैसे चलेगा जनाब?
हे भगवान उठा ले। अरे भाई उस वारदात के दिन क्या हुआ था वो बता, बाकी गड़े मुर्दे मत उखाड़ यार। अच्छा वो बताना है क्या? जी हाँ। शायद थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे, सोमवार था उस दिन। अरे जनाब आगे बढ़ो यार, मुझे घर जाकर खाना बनाना, बीवी का फोन आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, माफ कीजिए जज साहब, मैं ये भूला है शायद। तो भाई वो सब छोड़, तुझे जो भी याद है वो शुरू से बता दे इनको। वकील साहब शुरू से नहीं मुद्दे पे आइए, मुझे घर जाना है यार। ठीक है तुम्हें जो भी बताना है मुद्दे पे, मुद्दे का बताओ, बस मुद्दे पे आओ। हाँ तो जज साहब सुनिए। बताइए। उस दिन मेरी बीवी मायके जाने वाली थी। अच्छा हाँ सच में? अरे हाँ भाई क्यों? अरे क्या बताऊ, मेरी वाली तो जाती ही नहीं। अरे भगा दे भगा दे। जब भी बोलू भाग्यवान जाओ तुम्हारे मम्मी पापा को मिल के आओ तो पता है क्या करती है? हा? सारे परिवार को यहाँ बुला देती है, फिर एक महीने तक का खाना पीना और बाकी का सब मुझे ही करना पड़ता है। नसीब फूट गए भाई तेरे, क्या कर सकते है। जज साहब ये कुछ ही बकवास कर रहे है, और आप सुनो केस खत्म होने दो फिर आपके पास मैं देखती हूँ। वकील साहब यार क्यों टाइम पास कर रहे हो, जल्दी कीजिए नहीं तो आपसे ही मेरा घर का खाना बनवाऊंगा। माफ कीजिए जज साहब। तो भाई बताओ आगे क्या हुआ? हाँ तो उस दिन सोमवार था। हे भगवान, अरे मेरे भूले लाल आगे बढ़, नहीं तो तुझे यही फांसी से पे चढ़ा दूंगा। सोमवार से बाहर निकल यार। अरे सॉरी जज साहब। तो उस दिन जैसे कि आपको पता ही है मेरी बीवी तो मायके जा रही थी। हाँ, वो तो मैंने क्या किया, उसको बस स्टैंड पे छोड़ दिया, बस में बिठा दिया और उसके बाद घर आ गया। उसके आगे क्या हुआ? फिर क्या, आप लोगों को तो पता ही है जब बीवी जाए मायके, मैं सीधा चला गया शराब की दुकान पे, वहां से कुछ शराब की बोतलें उठा ली, दोस्तों को घर बुला लिया और मजे से पार्टी। समझ सकता हूँ भाई, उस पार्टी में तो मैं भी था। हाँ भाई। वकील साहब आपको हो गया तो उसे भी बोलने दो यार। ठीक है जैसा भाई बोल ले। क्या उसके आगे क्या हुआ बताइए? उसके आगे हाँ? उसके आगे तो पता ही है, जब दारू अंदर चली जाए तो उसके बाद क्या होता है आपको तो पता ही है, मुझे कुछ भी याद नहीं। भगवान। पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेड नहीं, नोटेड माय लॉर्ड। ठीक है, ये दारू पीने के बाद मेरे मुवक्किल को इस बात का कुछ भी इल्म नहीं है कि उसने क्या कहा, तो इस हिसाब से तो मेरा मुवक्किल निर्दोष होगा। चल भाई हो गई केस। ऑर्डर ऑर्डर। वकील साहब कौन दोषी कौन निर्दोष इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। और अपोजिशन टीम से कोई बैटिंग करना चाहता है? अरे सॉरी सॉरी मोहतरमा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? धन्यवाद जज साहब। तो जैसे कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा है। अरे फाजिल दोस्त, मैं तो तेरे माथे का तिलक हूँ ना। वो घर पर, यहाँ पे कोर्ट की मर्यादा का मान रखिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप दोनों केस पर ध्यान दीजिए। तो आप बताएंगे, आपको कुछ, आप बोल रहे थे कि आपको कुछ याद नहीं। जी मैडम कुछ थोड़ा थोड़ा सा याद है। अच्छा तो आप ये बताएंगे कोर्ट में कि आपने उस दिन कितनी शराब की बोतल ली थी? 4 बोतल ओड़ का। काम मेरा। अच्छा। रोज का। तो मुजरिम कितने आदमी थे? 6 थे सरदार, 6 आदमी, 4 सॉरी आदमी कितने थे? 6। हाँ। आदमी 6 और बोतल 4, ये तो बहुत नाइंसाफी हुई, बहुत कम आई होगी फिर तो। हाँ मैडम थोड़ी कम ही पड़ गई थी। और इतने में आप टून हो गए कि आपको कुछ याद ही नहीं? अरे मैडम मेरे अकेले का स्टॉक 6 बोतल का है, लेकिन मैं उस दिन इतने में टून हो गया। कौन सा लिया था? जज साहब अच्छा ग्रीन है। क्या क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं, कोर्ट की कार्रवाई देखते हैं। तो आप इस बात को नोट कीजिए, इनका स्टॉक 6 बोतल का है जी, लेकिन उस दिन ये थोड़े में ही टून हो गए, कोई कुछ याद नहीं। अच्छा और उस पार्टी में मेरे पति भी आए हुए थे। अरे मैडम मेरी पार्टी हो और मेरा भाई ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? आप हटो। उन्होंने मेरे बारे में आपसे क्या कहा फिर? कुछ नहीं मैडम कुछ नहीं। बड़ा झूठ बोल लेते हो आप। अरे मैडम कैसे बोलेंगे, वो कुछ बोलते ही नहीं। वैसे उन्होंने ये नहीं कहा मेरी पत्नी डायन है, मुझे बड़ा बुला कहती है। अरे मैडम ये क्या कह रही हो आप, वो तो आपके बारे में इतना अच्छे बोल रहे थे कि आप तो सती सावित्री समान है, जैसे उनको आपके जैसे पत्नी मिली। अच्छा जज साहब इस बात को नोट कीजिए, जब इनके दोस्त पार्टी से निकल रहे थे उन्होंने जो भी कहा उन्हें सब वो याद है, लेकिन इन्होंने अपने पत्नी के बारे में जो कहा उन्हें कुछ याद नहीं। जी जी। जज साहब अब मैं इनकी पत्नी जिस पीड़िता पर अत्याचार हुए है उन्हें बुलाती हूँ। अरे बुलाती हूँ या फिर बुलाना चाहती हूँ? जज साहब अब तो आपकी भी कुर्सी खतरे में है। ऑर्डर ऑर्डर। मैडम मैडम अगर आप चाहती हैं तो हम सब घर चले जाते हैं, कोर्ट आप भी चला लीजिए।
माफ कीजिए जज साहब, मैं पीड़िता को बुलाने की इजाजत चाहती हूं। जी इजाजत है तो जनाब बुलाइए जरा। रिंग जी हाजिर हो। नमस्ते। अरे जनाब उठो जरा यार, कितना कब से बैठे हो। रिंग जी थीसिस पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मुझ पर भरोसा नहीं है। मोहतरमा आप पर तो आपके पति को भी भरोसा नहीं है, ये कोर्ट है, यहाँ कसम लेनी पड़ेगी। जी मैडम कसम तो खानी पड़ेगी आपको। ठीक है जज साहब, खा लेती हूँ कसम, जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। यार क्या तेवर है, देख भाई फांसी सुना तो। रिंकी जी आप कोर्ट में बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था। हाँ मैं उस दिन रोज की तरह खाना बना रही थी। क्या कहा, खाना बना रही थी? हाँ। अरे जरा तो शर्म कीजिए जज साहब, उस दिन मैं खाना बना रहा था और ये मूठी खाने का काम कर रही थी। अरे ठीक है कोई नहीं, ऑर्डर ऑर्डर, आपको जब बोलने के लिए कहा जाए तभी बोलिए, वरना सजा आपको यही सुनाई दी जाएगी। माफी। तो रिंकी जी आगे बताइए। तो आप बताइए। हाँ तो उस दिन मेरे पापा का फोन आया, उन्होंने कहा कि मेरी मामा की मौसी की चाची की तीसरे बेटे की तबीयत खराब है, मेरी वहाँ जरूरत है, इसलिए मुझे बस स्टैंड पर छोड़ने आए। और आगे क्या हुआ? फिर से पापा का फोन आया, उन्होंने कहा मेरी वहाँ जरूरत नहीं है, ये बात इन्हें बताओ, ये जा चुके थे। मुझे लगा कि घर जाकर खूब रोएंगे, पर ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और मेरे बारे में भला बुरा कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि नागिन है, जब तक डसने बैठी रहती है, जीना हराम कर दिया है। समझ सकता हूँ भाई, ये तो हर घर की कहानी है ना यार। क्या? अरे कुछ नहीं मोहतरमा, कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। तो जज साहब जैसे कि आपने सुना, ये बेचारी अबला औरत जो अपने पति की दिन रात सेवा करती है, उसे क्या कुछ सुनना पड़ता है, इसलिए आप जल्द से जल्द फैसला सुनाइए। तो वकील साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे यहाँ? मेरे बीबी का तो जवाब ही नहीं है। नहीं, ये बीबी की धुन में जाने दो, कोर्ट की कार्रवाई खत्म करते हैं। सॉरी सॉरी जज साहब, कुछ सवाल जवाब जल्दी कीजिए यार, बोला ना बीवी का फोन आ रहा है मुझे। हाँ तो रिंकी जी आप कोर्ट को बताने की जहमत करेंगी? ये सब महाभारत आपने जो अभी अभी बोला वो सब आपने अपने आंखों से देखा है? जी हाँ। तो वहाँ पर वो जो जस्ट आप बैठे व्हाइट वाले, उनके पीछे क्या लिखा है बता सकते हो? जी मैं कैसे देख सकती हूँ, चश्मा बिना चश्मा तो दिखाई नहीं देता। तो उस दिन आपने चश्मा पहना था? चश्मा घर पर भूली थी। तो आप और आपने अपने पति को गेट से देखा और वो गार्डन में थे जी, और गार्डन से गेट का रास्ता लगभग 1000 फीट का होगा जी लगभग। तो आप इतना आत्मविश्वास से कैसे कह सकते कि बुरा भला कहने वाले आपके पति हो सकते हैं? मैं मेरे पति को नहीं पहचानती, तो किसे पहचानूंगी? चलो मान लेते, लेकिन उस पार्टी में तो मैं भी था, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा आपके बारे में मुझे। अच्छा आप इनसे मिले हुए हो? चलो ठीक है मान लेते, पर आपके पास कोई सबूत गवाह ऐसा कुछ है? मैं नहीं हूँ क्या काफी? नहीं नहीं मोहतरमा, हो सकता है आपकी कोई चाल हो। मैं फिर से पूछता हूँ आपके पास कुछ सबूत गवाह है? ऐसा तो कोई नहीं है। Point to be noted, my lord. मौका या वारदात पर इस अबला जो कह रही है इनके पास कोई भी सबूत गवाह नहीं है जी, जिसके हिसाब से ये ऐसा सिद्ध कर सके कि मेरे मुवक्किल ने कुछ गुनाह किया है, तो इसके हिसाब से ये जो मेरा मुवक्किल है निर्दोष साबित होता है। चल भी आप तो चल। अरे वकील साहब रुकिए, अरे बैठिए यार, इतना कहाँ गाइए, कहाँ जाना है आपको? मुझे लगा होगा। थैंक यू, आपने अपना स्टेटमेंट दिया। तो मोहतरमा आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है? जी साहब, तो आप जैसे देख सकते हैं हम बेचारी औरतें जो अपने परिवार की इतनी सेवा करती है, हमें भरे बाजार में क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये बेचारी तो मरने चली थी, मैं उसे यहाँ पे इंसाफ की अदालत में लेके आई, अभी आप ही फैसला सुनाइए। जी जी। तो वकील साहब आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट है? हाँ जज साहब, मैं कोर्ट को ये बताना चाहता हूँ कि आप इनकी पहले मगरमच्छ वाली आंखों से मत जाइए, ये वुमन कार्ड खेल रही है, कुछ भी बोल रही है। ऑर्डर ऑर्डर, यू मे कंटिन्यू। तो मैं थैंक यू जज साहब, तो मैं बता सकता हूँ जो कोर्ट है वो सबूत और गवाह पे चलता है जी, तो इस हिसाब से इनके पास तो ऐसा कोई सबूत नहीं जो मौका है वारदात पे बता सके, और हम तो बोलेंगे नहीं, तो इसके हिसाब से तो मेरा मुवक्किल निर्दोष है। और आप सोचिए आपको क्या सही लगता है जी। तो दैट्स ऑल माय लॉर्ड। थैंक यू वकील साहब। तो जैसे आप दोनों अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं और तमाम पेश किए गए सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए और कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से अदालत आरोपी पर लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज करती है और इन्हें बाइज्जत बरी करती है। क्या यस, भाई जीत गए, चल वकील साहब। ऑर्डर ऑर्डर, रुकिए अभी केस खत्म नहीं हुआ है यार, फिर से शुरू होगा। और रिंकी जी की अन्य बातों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि इन्होंने कहा कि वो मरने जा रही थी, तो इसे भी मद्देनजर रखते हुए अदालत
विनय जी को सलाह देती है कि वो अगले 5 साल तक वर्क फ्रॉम होम का काम करेंगे, वो भी अपनी बीवी के साथ, और साथ ही साथ घर के सारे काम उन्हें ही करने पड़ेंगे। इसकी तो लग गई। हे भगवान, ये कैसा न्याय है। इससे अच्छा तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देते जज साहब, ये कानून तो अंधा है। ऑर्डर ऑर्डर विनय जी, ये कानून सबके लिए समान है, किसी एक के हक में फैसला नहीं देती, तो आपको ये फैसला मानना ही पड़ेगा। चलो अब तुम घर वर्ग में दिखाती हूँ। मैं जेल में रहना चाहता हूँ। चलो आपका फैसला मैं करती हूँ। जज साहब, आपने अभी अभी देखा, इस महिला ने मुझ पर हिंसाचार किया, अब तो मैं तुम पे केस करूंगा। महाशय, आपके पास कोई ठोस सबूत, गवाह है? अरे आप सब नहीं हो क्या? भूल गए जनाब, कानून होता है। चलिए घर पर खाना बनाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मजा आया? अरे कहाँ गए सब? खो गए क्या? घर पे चले गए क्या सब? खाना बनाना होगा, बना के आए भी होंगे, पता नहीं। क्या पता, वही जाने। ये स्किट देखकर मुझे ये कहावत याद आ रही है, पता है, शादी के लड्डू जो खाए वो भी पचता है और जो ना खाए वो भी पचता है।